नमस्कार सभी को। जुगाड़ गुरु जी में मैं अनिल फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं लेके आए वीडियो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी तक हमारा बैटरी कार वगैरह से रिलेटेड वीडियो होते थे, आज जो हमारा वीडियो है वो है एक ड्रोन से रिलेटेड। और ये ड्रोन आपने देखा होगा मार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं ये ड्रोन्स, और ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के ड्रोन्स मार्केट में मिलते हैं। अमेजन वगैरह पे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। बेसिकली बेस्ट प्राइस पर आपको मिल जाएगा, 2000 के समथिंग भी आपको वहाँ पर कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो ड्रोन आया है ये रिपेयर के लिए आया हुआ है, और ये हमारे कस्टमर ने भेजा हुआ है हमें ये ड्रोन। बेसिकली ये ड्रोन वर्किंग है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ना इसका एक मोटर काम नहीं कर रही है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये ऑन हो जाएगा अभी। ये ऑन हो गया है, ठीक है। इसके यहाँ पर हम देखते हैं इसकी, ये ऑन है, देखिए वर्क भी कर रहा है। बट अगर आप देख पा रहे हैं तो एक एक जो मोटर है हमारी वो वर्क नहीं कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसी के लिए हमारे पास आया हुआ है, उस मोटर को हमें चेक करना है कि मोटर किस वजह से काम नहीं कर रही है, क्या इश्यूज़ हैं। तो उसको हम यहाँ पे रिपेयर करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। और अगर ऐसा कोई भी ड्रोन है, अगर कोई गैजेट है जो आप रिपेयर नहीं हो पा रहा है और उसके अंदर समस्या है, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं और हम उसको रिपेयर करके आपको वापस से कुरियर कर देंगे। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो हम दिखाते हैं फिर कैसे। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ना हमें इसकी बैटरी निकालनी है, जो कि बैटरी को यहाँ से आप स्क्रॉल करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ड्रोन मतलब जिसकी काम नहीं कर रही थी मोटर, उसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। बेसिकली यहाँ से उसकी पंखड़ी निकालनी होगी, एक स्क्रू रहेगा यहाँ पर, इस तरीके से देखिए स्क्रू दिख रहा है, उस तरीके से हमने यहाँ पर स्क्रू निकाल के इस ब्लेड को निकाल दिया है। और इसके बाद यहाँ से इसको ओपन जब करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 स्क्रू, 1, 2, 3 और 1, 4, 4 स्क्रू मिलेंगे यहाँ पर। इसको हमने ओपन कर लिया है, ये ओपन हो गया है यहाँ से। एक्चुअली में ब्रेक हो गया है, ओपन ही हुआ है, क्योंकि ओपन ये वाला स्क्रू भी करना पड़ता है तब हमें ओपन होता है, बट ये ब्रेक हो गया है क्योंकि उसको थोड़ा फोर्सफुली हमने ओपन, मतलब पहले जो कस्टमर था कस्टमर का उन्होंने ओपन किया था, और जिस वजह से ये फोर्सफुली उन्होंने निकाला। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो वायरिंग है इसकी, वायरिंग एक्चुअली में ब्रेक हो गई है, जो मोटर है उस मोटर की वायरिंग पूरी टूट गई है अंदर से। ये मोटर देख सकते हैं आप, छोटी सी ब्रशलेस मोटर होती हैं, और ये ड्रोन में क्योंकि लाइट वेटेड होती हैं और इसी से ड्रोन को आप यूज़ कर पाते हैं। तो बेसिकली हम मोटर को निकालते हैं, तो ये मोटर हमने निकाल ली है, और इस मोटर को आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर है इसके पूरे ये वायर थे, यहाँ से वायर डैमेज हो चुके हैं। तो इस मोटर को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास एक न्यू मोटर से हम रिप्लेस करने वाले हैं इसको। हमने यहाँ पर एक मोटर मंगाई हुई थी ऑलरेडी, और इस तरीके की अगर कोई भी मोटर वगैरह आपको चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको एक बहुत कम प्राइस पे आपको मोटर प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें भी एक छोटी सी ब्लेड लगी हुई थी, उस ब्लेड को हम हटा देते हैं, और इस मोटर को, इस मोटर में और इस मोटर में आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने को, सेम मोटर है। बस सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका जो रोटर है उसको बाहर निकालना है और इसके अंदर न्यू वाली मोटर के अंदर अटैच करना है। तो इसको बाहर निकालने का थोड़ा सा प्रोसेस हार्ड रहेगा, उसको मैं निकाल लेता हूँ पहले एक बार। इसको हमने निकाल लिया बेसिकली, और निकालने के बाद हम इसको लगा देते हैं वापस से, जिससे ये वर्क करने में करने लगे। और इसको हम आप लगाने वाले हैं अपने ड्रोन मतलब इसके अंदर, और आप देख सकते हैं ये जब रोटेट करेगी मोटर तो इसकी ये ब्लेड ओपन घूमने लगेगी। इसको अभी हम चेक कर देते हैं छोटी सी बैटरी से, अभी हम बैटरी छोटी नहीं है, बैटरी तो बहुत बड़ी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, बट हम इसको अभी कम वोल्ट पे ऑन करने वाले हैं। अभी एक्चुअली में अंदर से ये ओपन नहीं घूम रहा है, जो रोटर हमने लगाया था वो नहीं ओपन हो रहा। अब देखेंगे उसको, क्योंकि देखिए वही अगर वो रोटर नहीं घूमेगा तो ये काम नहीं करने वाला, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमारी पंखड़ी घूमनी चाहिए। देखिए पंखड़ी घूम रही है बट अभी नहीं घूमी, क्योंकि इसको हमें यहाँ पर अंदर की तरफ रखना पड़ेगा। अभी इसको हम फिट करके देखते हैं, फिर बेसिकली देखते हैं कि ये फिट होके वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो पहले फिट करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये प्रॉपर काम नहीं कर रही हो, जिस वजह से ये रोटर दिक्कत दे रहा हो।
अभी इसको फिट करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी शोल्डरिंग करनी पड़ेगी, वाइट वायर को वाइट वायर के साथ और ब्लैक वायर को ब्लैक वायर के साथ। वायर थोड़े बड़े हैं, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कट करेंगे। ओपन हो गया है और इसको भी हम यहाँ पे, इसके वायर बहुत पतले होते हैं तो बहुत केयरफुली हमें उसको निकालना होता है, क्योंकि अगर हम केयरफुली नहीं निकालेंगे तो ईजिली क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब हम इसको करते हैं शोल्डर। तो फाइनली देख सकते हैं हमने यहाँ पर शोल्डर कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये जो वायर है वो शोल्डर हो चुके हैं। अब हम इसके बाद इस वायर पर फ्लेम लगा देते हैं, इसका कवर, जिससे ये वायर प्रोटेक्टेड रहे। इसको हम लगाते हैं यहाँ पर, और ये वाला पार्ट क्यों नहीं लग रहा है, और देखते हैं। अच्छा, ये ओके, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। इसको यहाँ पर लॉक को हम सीधा करते हैं जिससे प्रॉपरली वो फिट हो सके। अब देखिए प्रॉपर लग गया है, और अब इसके हम लगाते हैं स्क्रूज़। एक बार इसको चेक कर लेते हैं पहले, फिर हम लगाएंगे इसके स्क्रूज़, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर चेक करना पड़ेगा। अरे जी, ये वर्क नहीं कर रही है मोटर। नहीं, देखना पड़ेगा इसका वर्क क्यों नहीं कर। अब हमें ये पूरा ड्रोन ओपन करना पड़ेगा। पहले हमने सोचा मोटर का तार कटा हुआ है तो इसे वर्क नहीं कर रहा था, बट अब हमें पूरा ड्रोन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। फाइनली काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमने इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है, और देख सकते हैं वायरिंग भी हमने प्रॉपरली लगाने के बाद अब हम इसको फिट करने वाले हैं। और फिटिंग कैसे करनी है वो हम आपको दिखाते हैं, कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको अब हम निकालेंगे और यहाँ पर इसको पूरा सेट करते हैं। ये इसका बोर्ड रहता है, और यहाँ पर जब सेट हो गया तो इसके में एक वायर इस तरफ से निकालेंगे प्रॉपरली, और दूसरे वायर को हम इस तरफ से, तो जैसे प्रॉपर वायरिंग सेट रहेगी और हमारी मोटर दिक्कत नहीं करेगी, क्योंकि वायरिंग का प्रॉपरली सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वायरिंग प्रॉपरली सेट नहीं होगी तो कट वगैरह कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ही पतले वायर होते हैं इसमें, चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसमें ये वाला पार्ट जो ब्रोकन पार्ट था उसको हम लगा देंगे, और इस वाले पार्ट को लगाने के बाद हम चाहें तो उसमें स्क्रू का लगा देते हैं जिससे ये प्रॉपरली स्टक रहेगा। और इसका जो पूरा कंप्लीट पार्ट था
उसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। फिर इसके बाद जैसे देखिए प्रॉपरली सेट हो गया, ठीक है। अब हम इसको टाइट कर सकते हैं, स्क्रूज इसके यहाँ पर हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पर प्रॉपरली अटैच कर देते हैं और इसकी जो वायरिंग है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं जिससे प्रॉपरली कोई दिक्कत ना आए। और अब जो हमारा ड्रोन है उसके जो ऊपर का कवर है इसको हम लगाने वाले हैं। ये एज अ स्प्रिंग का काम करते हैं प्लास्टिक्स, उसको उल्टा ही लगाना पड़ेगा हमें। देखिए ये चारों उसमें लॉक का काम करते हैं। देख सकते हैं प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होगा अगर वो प्रॉपर लोकेशन पे नहीं होगा। ये प्रॉपरली हो गया। अब इसके बाद हम इसमें लगाते हैं स्क्रूज। तो फाइनली ड्रोन तैयार हो गया है ना, ड्रोन फ्लाई भी कर रहा है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के अगर कोई भी गैजेट्स हैं आपको तो प्लीज़ आप हमें सेंड कर सकते हैं अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रोडक्ट्स की। और व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है व्हाट्सएप ग्रुप पर तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जो कि उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।